नमस्कार दोस्तों, बागड़ा पब्लिकेशन ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज अपन वचनों के बारे में इस वीडियो में अध्ययन करेंगे कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। हालांकि वचन के वीडियो अपन ने पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, ये चौथा वीडियो अपन वचनों के बारे में अपलोड करने जा रहे हैं। इस वीडियो में केवल एक वचन से बहुवचन बनाने के जो नियम, जितने भी नियम होते हैं एक वचन से बहुवचन बनाने के, जितने भी नियम होते हैं वो सारे नियम अपन इस वीडियो में अपलोड करेंगे। इस वीडियो में पहला नियम है एक वचन से बहुवचन बनाने का। पहला नियम यह है, तो सुनिएगा कि अकारांत इकारांत इकारांत उकारांत और उकारांत। अगर अकारांत इकारांत इकारांत उकारांत और उकारांत पुलिंग शब्दों का बहुवचन रूप बनाने के लिए, अगर कोई पुलिंग शब्द है, अगर कोई पुलिंग शब्द अकारांत है, इकारांत होगा, बड़ी इकारांत, उकारांत और उकारांत हो, तो पहली बात तो उनका बहुवचन रूप नहीं बनता है, उनका बहुवचन रूप नहीं बनता है। अगर अकारांत इकारांत उकारांत शब्दों का बहुवचन रूप बनाना चाहते हैं तो बहुवचन का रूप बनाने के लिए अपन को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका? विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके ही अपन एक वचन से बहुवचन का रूप बना सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं त्रिएक रूप। जिसको क्या कहते हैं अपन? त्रिएक रूप कहते हैं। अगर किसी भी शब्द के अंत में ए, ई, ई, उ और उ हो और उनका अपन अगर बहुवचन बनाना चाहते हैं तो बहुवचन रूप नहीं बनेगा, सीधा बहुवचन में रूप नहीं बनेगा। अगर उनके साथ में बहुवचन बनाने के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके ही अपन उनका बहुवचन रूप बना सकते हैं, जिसको कहते हैं त्रिएक रूप। क्या कहते हैं? त्रिएक रूप। इनके अलावा जैसे आकारांत है, एकारांत है, ओकारांत है, उनका सीधा बहुवचन का रूप बन जाता है, एक वचन से बहुवचन में रूप बदल जाता है। बल्कि जिस शब्द के अंत में ए, ई, ई, ऊ और उ हो उनका बहुवचन रूप नहीं बनता है, उनका बहुवचन रूप बनाने के लिए विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं त्रिएक रूप। अब देखो, शत्रु उकारांत आ गया, पक्षी बड़ी इकारांत आ गया, येरा वृक्ष एकारांत आ गया, डाकू उकारांत आ गया, येरा और मकान एकारांत। अब ये तो आप समझ गए होंगे कि एकारांत इकारांत और उकारांत क्या होता है। ये एकारांत आकारांत इकारांत ये शब्द के जो अंतिम स्वर होता है उसके आधार पर निर्धारित किए जाते हैं। जैसे किसी भी शब्द के अंत में ए है तो वह एकारांत हो जाता है, किसी शब्द के अंत में उ है तो उकारांत हो जाता है, किसी शब्द के अंत में ई है तो वो इकारांत हो जाता है। बल्कि ये होने चाहिए कौन से? पुलिंग शब्द। कौन से होने चाहिए? पुलिंग शब्द। तो इनका बहुवचन रूप नहीं बनता है। अब सुनना इधर, जैसे शत्रु अपना उकारांत है और पुलिंग है, पक्षी अपना इकारांत है और पुलिंग है, वृक्ष पुलिंग है एकारांत है, डाकू उकारांत पुलिंग है, मकान एकारांत पुलिंग है, हाथी इकारांत पुलिंग है। तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि शत्रु का बहुवचन बताओ, शत्रु का बहुवचन है बताओ, तो शत्रु का बहुवचन नहीं बनता है। शत्रु एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है, शत्रु एक वचन और बहुवचन दोनों में प्रयुक्त होता है, इनका बहुवचन रूप नहीं बनता है। अगर अपन इनका बहुवचन रूप बनाना चाहते हैं तो विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करना पड़ेगा, तब ही बहुवचन अपन रूप बना सकते हैं। जैसे बहुवचन कैसे नहीं बनता है, अपन किसी एक का वाक्य में प्रयोग करते हैं, जैसे अपन इस पशु का प्रयोग करते हैं, पशु घास चर रहा है, पशु घास चर रहा है, इसका मतलब पशु एक वचन है, पशु क्या है? एक वचन है। इसी वाक्य को अपन चेंज करें, पशु
घास चर रहे हैं, पशु घास चर रहे हैं। अब अपने पशु शब्द को परिवर्तित नहीं किया है, पहले वाक्य में पशु एक वचन में प्रयुक्त हो गया था और अब पशु घास चर रहे हैं, अब यही वाक्य इस वाक्य में पशु बहुवचन में प्रयुक्त हो गया है। किसमें प्रयुक्त हो गया है? बहुवचन में प्रयुक्त हो गया है। पशु घास चर रहा है एक वचन है, पशु पशु घास चर रहे हैं, अब इस वाक्य में पशु बहुवचन है, तो पशु का एक वचन और बहुवचन दोनों में रूप यही परिवर्तित है, यही प्रयुक्त होता है। अगर इसका अपन बहुवचन में रूप बनाना चाहते हैं तो विभक्ति चिन्ह और कारक चिन्हों का प्रयोग करना ही पड़ेगा, ठीक है। बल्कि ये अकारांत इकारांत इकारांत उकारांत और उकारांत ये नियम लागू है केवल पुल्लिंग शब्दों के साथ ही। पुल्लिंग शब्द होना चाहिए अकारांत इकारांत और उकारांत, तो उनका अपन बहुवचन रूप नहीं बना सकते, उनका बहुवचन में रूप नहीं बदलता है। जैसे इनके अलावा अकारांत और इकारांत और उकारांत के अलावा शब्द होते हैं उनका बहुवचन रूप बन सकता है। जैसे अपन लेते हैं कमरा, आप देखो कमरा इनमें से नहीं है, देखो अकारांत में नहीं है, इकारांत में नहीं है और उकारांत में नहीं है। कमरा क्या है? आकारांत है। क्या है? आकारांत। तो इसका बहुवचन रूप बन सकता है, इसका बहुवचन रूप बन जाएगा, कमरा का हो जाएगा कमरे, क्या हो जाएगा कमरे। देखो बहुवचन रूप बन गया, अनुस्वार नहीं लगा, ध्यान रखना इस बात का, अनुस्वार लगता है केवल स्त्रीलिंग में, स्त्रीलिंग होता है उसमें लगता है, केवल अनुस्वार पुल्लिंग में नहीं लगता है ना, तो कमरा का हो गया कमरे, ठीक है। इनका गांव का गांव नहीं बन सकता, शत्रु का शत्रु नहीं बन सकता, पक्षी का पक्षियों नहीं बन सकता, ठीक है। इनका अगर बहुवचन रूप बनाना है तो कारक चिन्ह का प्रयोग करेंगे फिर ही बहुवचन का रूप बन पाएगा। जैसे अब अपन बना रहे इनका बहुवचन का रूप बना रहे, अपना पहला उदाहरण क्या है? शत्रु। पहला उदाहरण क्या है? शत्रु। अब शत्रु का अगर आपसे बहुवचन का रूप पूछ ले तो नहीं बन पाएगा, शत्रु शत्रु रहेगा। अगर इसका बहुवचन रूप बनाना है, अगर इसका अपन को बहुवचन का रूप बनाना है तो तिर्यक रूप में ही बन पाता है, और तिर्यक रूप का बनता है कारक चिन्हों का प्रयोग करके। तो देखो शत्रु का, ये शत्रु एक वचन में भी है और बहुवचन में भी है, एक वचन में भी है और बहुवचन में भी है। इसका अगर तिर्यक रूप का बहुवचन बनाना चाहते हैं, अगर इसका अपन तिर्यक रूप में बहुवचन बनाना चाहते हैं तो हो जाएगा शत्रुओं, शत्रुओं ने। कारक चिन्ह लगाकर अपन इसका बहुवचन रूप बना सकते हैं, जैसे शत्रुओं ने आक्रमण कर दिया, शत्रुओं को कैद कर लिया गया, शत्रुओं से हथियार हड़प लिए गए, शत्रुओं के लिए जहर दिया गया, है ना। तो कारक चिन्ह का प्रयोग करके ही अपन इनका बहुवचन में रूप बना सकते हैं, वरना शत्रु पक्षी वृक्ष ये हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होते हैं, इनका एक वचन में प्रयोग भी ऐसे ही होगा और बहुवचन में प्रयोग भी ऐसे ही होगा। आप देखो पक्षी ये एक वचन में भी है और बहुवचन में भी, पक्षी उड़ रहा है एक वचन है और पक्षी उड़ रहे हैं बहुवचन में प्रयुक्त हो गया, बल्कि इनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है। बहुवचन बनाना चाहते हो तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करेंगे, फिर ये रूप कौन सा हो जाएगा? तिर्यक रूप। पक्षी का हो जाएगा पक्षियों को दाना डाल दो, फिर है वृक्षों पर चिड़िया, वृक्षों पर पक्षी, या वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं, वृक्षों पर पक्षी बैठे हैं, फिर है डाकू, डाकू का बहुवचन रूप बनेगा, डाकुओं को गिरफ्तार करो, फिर है मकानों की छतें मजबूत है, फिर है पुलों की मजबूती पर ध्यान रखो, फिर है हाथियों को
चारा डाल दो, हाथियों को चारा डाल दो, तो ये हो गया इसका बहुवचन बल्कि क्रियक रूप। फिर है मुनि, तो हो जाएगा मुनियों के प्रति श्रद्धा रखो, मुनियों के प्रति श्रद्धा भाव रखो। फिर है घर, घरों की सफाई कीजिए, घरों की सफाई कीजिए। फिर है पशुओं को खेत से दूर करो, पशुओं को खेत से दूर भगाओ। फिर है गांव, गांवों में वातावरण अच्छा होता है, गांवों में वातावरण अच्छा होता है। चोर, चोरों को गिरफ्तार करो, चोरों को गिरफ्तार करो। पेड़, पेड़ों की कटाई कीजिए, पेड़ों की कटाई कीजिए। फिर वाहन, वाहनों की मरम्मत कीजिए, वाहनों की मरम्मत कीजिए। कवि, कवियों की कविता सुनिए, कवियों की कविता सुनिए। फिर है वचन, तो जाएगा वचनों को ध्यान से सुनो, वचनों को ध्यान से सुनो। अगर अपन विभक्ति चिन्ह के रहित, विभक्ति चिन्ह के बिना अगर बहुवचन का रूप बनाना चाहते हैं तो नहीं बनेगा। जैसे अपन इसकी कारक चिन्ह को उठा दिया, अब घरों का वाक्य नहीं बनेगा। घर का बहुवचन घरों का भी नहीं होता है, ठीक है। इसका बहुवचन रूप बनाना है तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसको अपन क्रियक रूप बोलते हैं। अब इसका वाक्य नहीं बनेगा, घरों वाक्य बनाओ नहीं बनेगा, शत्रुओं नहीं बनेगा, पक्षियों नहीं बनेगा। बहुवचन बनाने के लिए आगे कारक चिन्ह का प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गया अपना पहला नियम, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अपन के एक वचन से बहुवचन बनाने के 6 नियम है, जो 6 नियम अपन इस वीडियो में पढ़ लेंगे अच्छी तरह से। ये अपने वचनों का लास्ट वीडियो है, 4th वीडियो, 3 वीडियो अपने पहले अपलोड कर दिया है। तो ध्यान रखना, फिर से बता रहा हूं मैं, अगर पुल्लिंग शब्द अकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत है तो उसका बहुवचन रूप नहीं बनता है। अगर बहुवचन रूप बनाना है तो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा, जिसको बोलते अपन त्रियक बहुवचन का रूप, ठीक है। अब अपना अगला नियम है दूसरा। तो देखो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम यह है कि आकारांत पुल्लिंग शब्द हो, आकारांत पुल्लिंग शब्द हो और उसका अपन को एक वचन से बहुवचन का रूप बनाना है। आकारांत पुल्लिंग शब्द हो और उसका एक वचन से बहुवचन का रूप बनाना है तो आ के स्थान पर ए का प्रयोग करके अपन एक वचन से बहुवचन में बना सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहला नियम था, अपना पहला नियम था, उसमें क्या है था कि एकारांत आकारांत नहीं था, उसमें एकारांत, इकारांत, इकारांत, उकारांत और उकारांत, इन 5 शब्दों का बहुवचन रूप नहीं बनता है। बहुवचन रूप बनाना है तो त्रिक रूप बनेगा, जो विभक्ति चिन्ह का प्रयोग करके बनाते हैं। अब बीच में अपने जो आकारांत शब्द बच गया है, बल्कि वो पुल्लिंग होना चाहिए, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत स्त्रीलिंग नहीं, आकारांत पुल्लिंग शब्दों को एक वचन से बहुवचन बनाते समय आ के स्थान पर एक का प्रयोग करते हैं। अब देखो लड़का, तो लड़का का बहुवचन हो जाएगा लड़के। अगर आपने यहां पर अनुस्वार लगा दिया तो गलत हो जाएगा, यहां पर अनुस्वार लगा दिया तो गलत हो जाएगा। इस अनुस्वार का बहुत महत्व है। अब आपको देखो मैं पहले बता देता हूं कि इस अनुस्वार का बहुवचन रूप कहां किया जाता है। अगर अकारांत पुल्लिंग है, अकारांत स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग नहीं, ये तो है आकारांत पुल्लिंग। अगर अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, उसका अपन को बहुवचन का रूप बनाना है, बहुवचन का रूप बनाना है, तब आपका इस अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो छत का हो जाएगा बहुवचन छतें। अब आएगा आपका अनुस्वार, तो ध्यान रखने की बात है कि आकारांत अगर पुल्लिंग शब्द है और उसका बहुवचन का रूप बनाना है
तो आपका अनुस्वर का प्रयोग नहीं होगा। बच्चा बच्चे, अब देखो बच्चा भी क्या है, आकारांत है, बच्चा में भी आकारांत है ना, तो बच्चे बनेगा तो ये रू बनेगा, अनुस्वार नहीं लगेगा। अब देखो अनुस्वार कहां लगता है, अगर अकारांत स्त्रीलिंग हो, अब देखो छत स्त्रीलिंग है, छत क्या है स्त्रीलिंग, और अकारांत पुल्लिंग हो तो उसका बहुवचन रूप बनता ही नहीं है, उसका बहुवचन रूप नहीं बनता है, वो तो अपने पहले नियम पढ़ लिया। अगर अकारांत स्त्रीलिंग है और उसका अपन को बहुवचन का रूप बनाना है तो वहां पर आपका अनुस्वार लगेगा, यही एक का प्रयोग होगा, बल्कि अनुस्वार का साथ में प्रयोग भी होगा, छते छते। आप देखो अपन बनाते हैं जैसे कमरा, अब बताओ ये आकारांत है या कौन सा है, आकारांत है, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, तो ये नियम लगेगा। तो आकारांत पुल्लिंग शब्दों का एक वचन से बहुवचन बनाते समय केवल सिंपल एक का प्रयोग करेंगे, तो ये हो गया आपका कमरा का, हो जाएगा कमरे, कमरा का हो जाएगा कमरे, ठीक है। अब जैसे मान लो दीवार करते हैं अपन, दीवार क्या है, दीवार, अब दीवार देखो अकारांत क्या है, स्त्रीलिंग है, दीवार अकारांत, छत अकारांत स्त्रीलिंग, अब इसका बहुवचन का रूप बनाना है तो दीवारे बनेगा, बल्कि अनुस्वार भी, अनुस्वार भी आएगा, अनुस्वार का प्रयोग भी होगा। तो ये देखो ये बात अपन है आगे वाले नियम पढ़ेंगे, बल्कि पहले आप ये देखो क्या है यहां पर है? कि अगर आकारांत पुल्लिंग शब्द है, समझ गयो, आकारांत पुल्लिंग शब्द है और उसका अपन को बहुवचन का रूप बनाना है, बहुवचन का रूप बनाना है, तो ध्यान रखना आके स्थान पर एक का प्रयोग करते हैं तो ताला का बहुवचन हो जाएगा ताले, गधा का बहुवचन हो जाएगा गधे, चीता का हो जाएगा चीते, ठीक है। अब देखो शेर आ गया, अब चीता और शेर दोनों है अलग अलग, दोनों जंगली जानवर है, बल्कि शेर अकारांत है, शेर क्या है अकारांत है, और चीता क्या है आकारांत, तो आकारांत का तो बहुवचन रूप बनता है, बल्कि अकारांत का बहुवचन रूप नहीं बनता है, इसलिए शेर का बहुवचन रूप पूछ ले तो नहीं बनेगा। इसका तिर्यक रूप बन सकता है कारक चिन्ह का प्रयोग करके, शेरों से डरो, शेरों से डरो, सीधा नहीं बनेगा शेरों, नहीं समझे, तो इसको उठाओ वापस। कपड़ा का क्या हो जाएगा कपड़े, शीशा का क्या हो जाएगा शीशे, कीड़ा का क्या हो जाएगा कीड़े, और पंखा का क्या हो जाएगा पंखे। अब देखो अपन जल्दीबाजी में क्या कर देते हैं, पंखे में यहां भी लगाते हैं और यहां भी लगाते हैं अनुस्वार, क्यों, बहुवचन रूप हो गया ना, बल्कि ये गलत है। ये अनुस्वार कब लगता है, जब आकारांत वो अकारांत स्त्रीलिंग हो, अकारांत स्त्रीलिंग हो उसके लिए यहां पर यह नियम लगता है। तो देखो अब तीसरा नियम वो आ रहा है अपना, अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग। तो देखो अपन ये आते कौन से पढ़ लिए, अकारांत आकारांत इकारांत इकारांत और उकारांत, ये सारे पुल्लिंग के पढ़े अपन ने, किसके पढ़े हैं पुल्लिंग के। तो देखो इन यहां से ऐसे लेकर के उत्तक दो नियम बन गए हैं, इस आ को छोड़ दो, अगर कोई पुल्लिंग शब्द अकारांत है, छोटी इकारांत बड़ी इकारांत और उकारांत और उकारांत है, तो उनका बहुवचन रूप नहीं बनता है, उनका बहुवचन रूप नहीं बनता है केवल आकारांत को छोड़कर, ठीक है। अगर कोई आकारांत पुल्लिंग शब्द है, आकारांत पुल्लिंग शब्द है, उसका एक वचन से बहुवचन रूप बन जाएगा, कैसे, आके स्थान पर एक का प्रयोग कर देते हैं और इस प्रकार से आपके एक वचन से बहुवचन बन जाएगा, बल्कि यहां पर अनुस्वार का प्रयोग कर दिया तो शब्द गलत हो जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपके पुल्लिंग के, अब यही अकारांत आकारांत इकारांत और उकारांत स्त्रीलिंग के नियम भी अपन इसमें पढ़ रहे हैं। तो अब अपना तीसरा नियम है अकारांत और आकारांत, अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। अब अपना जो अकारांत और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है उसका एक वचन से बहुवचन का बनाने का नियम अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर दबाएगा ताकि नया नोटिफिकेशन, नया वीडियो का अपडेट करते आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए।
अगर अपन एकवचन से बहुवचन बनाने के नियम जितने अपनी वीडियो में पढ़े हैं अगर इनका और अधिक गहराई से अध्ययन करना है तो ये अपनी पुस्तक है बागड़ा पब्लिकेशन जयपुर, पुस्तक का नाम है भारतीय हिंदी व्याकरण कोश। भारतीय हिंदी व्याकरण कोश मार्केट में हर बुक डिपो पर उपलब्ध है, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, इसकी सहायता भी ले सकते हैं। इसमें हर टॉपिक के पीछे 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और 500 पेज है पूरी थ्योरिकल व्याकरण है। भारतीय हिंदी व्याकरण कोश, इसकी सहायता भी आप ले सकते हैं। धन्यवाद।